आपको मैंने इस वक्त तकलीफ़ दी। बुनियादी तौर हम देख रहे हैं दो दिनों से हमारे एजेंट्स, हमारे वर्कर्स और हमारे सपोर्टर्स को पूरी श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में हिरासा किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। मुझे पता नहीं ये किसकी एम आप एडमिनिस्ट्रेशन खेल रही है। हमें वैसे पहले ही पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इनके साथ हाथ में हाथ डाल के हमारे वर्करों को पहले तंग, जिस वक्त कंपेनिंग चल रही थी उस वक्त भी तंग कर रहे थे, हमें परमिशंस डिनाई हो रहे थे, हमें दूसरी चीज़ें, लेकिन ये बर्दाश्त से बाहर है। अब के हमारे वर्करों को किसी को कहा जाता है तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट कहीं पुराने FIR में, किसी को कहा जाता है इसमें, यहाँ तो लोगों के जिनके केस है वो लड़ रहे हैं। तो जो एजेंट बनना चाहता है उसको क्या प्रॉब्लम है इनको? तो मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न कर रहा हूं कि ऐसी एक्टिविटीज़ को फुल फोर रोका जाए, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और फिर डेमोक्रेसी का मजाक है ये। आप क्यों कहते हैं फिर इलेक्शन में हिस्सा ले लो? हम तो नई जमात हैं, हमारा ऐसा कोई ये भी तो नहीं क्रेडेंशियल है कि नहीं जी हम किसी की तरह ये बोलते हैं ये इलेक्शन उस चीज़ के लिए। ये तो सीधी सी एक इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन है। हमारे वर्कर्स को क्यों हिरासां किया जाता है? हमारे वर्कर तो कोई ऐसा भी नहीं कर रहे हैं, जो आपके पपेट्स हैं, जो आपके एजेंट्स हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, वो तो खुल के वो चीज़ें कह रहे हैं जो इमोशनल ब्लैकमेल लोगों का कर रहे हैं। मैं तो पहले से कहता आ रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन में वो अनासिर हैं जो उनको मदद कर रहे हैं, और आज तो शरेआम मदद कर रहे हैं। ऐसा कैसे चलेगा? सच की सियासत हम करने वाले कभी झूठ नहीं बोला लोगों को, कभी कुछ नहीं किया। आज हिरासां और परेशान किया जा रहा है, खान साहब से मेरे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, सरार शरीफ से अरेस्ट किया जा रहा है, चाडोरा में अरेस्ट किया जा रहा है, शहरी श्रीनगर में अरेस्ट किया जा रहा है, पुलवामा में अरेस्ट किया जा रहा है, शोपियान में हमारे अनगिनत लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। यहाँ जब आप उसको देखने के लिए निकलेंगे फिर तो आपको आधे कश्मीर को अरेस्ट करना है। सब पत्थर कहीं ना कहीं मारा ही होगा किसी ने। मैं गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो बजात खुद इसमें मुदाखलत करे, और चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के रूट्स बहुत गहरे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, वो ये सब शो मैनेज कर रहे हैं। अगर ऐसा है फिर हमें बताइए, फिर क्यों हम इलेक्शन में नाम नहाद इलेक्शनों में फिर चले जाएं? फिर तो ये नाम नहाद हुए अगर हमें हिस्सा नहीं लिया नहीं दिया जाएगा। इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ तकलीफ दी कि आपके माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाऊं और लोगों तक पहुंचाऊं कि होशियार और ख़बरदार रहिए, आपको ही निकलना पड़ेगा डेमोक्रेसी को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि ये जो रिवायती सियासी जमातें हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, इनका तो खेल ही यही है। इन्होंने तो आज तक सब इलेक्शन ही इसी तरह से जीते हैं। आज इनको लग रहा है एक वेव बन रही है अपनी पार्टी के हक में, लोग कल अपनी पार्टी के हक में वोट डालेंगे। इन्होंने हिरासा परेशान करना शुरू किया हमारे एजेंटों को, हमारे वर्कर को हज़ारों की तादाद में गिरफ्तार करके ले गए। इक्का दुक्का कहीं इन लोगों का उठाते हैं, लेकिन हमारे हज़ारों की तादाद में ले गए। इसे हम चुप नहीं बैठेंगे, हम साथ सच का देते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे वर्करों के साथ ऐसा किया जाएगा। मुझे उम्मीद है उन्हें फौरन रहा किया जाएगा ताकि अनइंटरप्टेड कल इलेक्शन पीसफुल हो। मेरे दो सवाल है आपसे अल्ताफ साहब। पहला सवाल, जो आप इल्ज़ाम एडमिनिस्ट्रेशन पे लगा रहे हैं, यही इल्ज़ाम आप पे पीडीपी लगा रहे हैं कि अल्ताफ बुखारी हमारे वर्कर्स को अरेस्ट करवा रहे हैं? देखिए साहब, ना मैं कभी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहा हूँ, वो तो अभी भी उसी गोद में है। महबूबा जी वो तो बीजेपी की गोद में पली हैं, बड़ी हैं, आज भी उन्हीं की गोद में हैं, तो वो क्या हमें कहेंगी? हर पुलिस को अगर किसी को लगाया है, वो चीफ मिनिस्टर उन्होंने लगाया होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने लगाया होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगाया होगा, हमारा कौन है? हम तो नए लोग हैं, हम तो आम लोग हैं। इन खानदानों ने तो उस वक्त भी यही किया, लोगों का हक खा के एडमिनिस्ट्रेशन जिनको लगाया, लोगों का हक खाया और अपने हवारियों मवारियों को लगाया। तो सर, आप उनकी स्टेटमेंट्स को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वो भी लगातार दो तीन दिनों से यही बात कह रहे हैं कि उनके वर्कर्स को या उनके लीडर्स को? देखिए साहब, आप जाइए और थानों में, आप तो मीडिया हो, इंडिपेंडेंट हो, आप जाइए देखिए थानों में किसके वर्कर बांधे हैं। जाइए ना, मैं आपको कहता हूँ, आप जाइए थानों में देखिए किसके वर्कर बांधे हैं। अगर कोई आज कहता है ये पीडीपी का वर्कर है, वो तो आज मेरा वर्कर है। पीडीपी कहाँ है जमीन पे, है कहीं?
ये तो खुद कहती हैं पीडीपी से लोग अपनी पार्टी में बने, तो वर्कर भी तो हमारा ही है, वो कहाँ पीडीपी का वर्कर रहा, उसको इस नाते उठा रहे हैं कि नहीं जनाब ये अपनी पार्टी के साथ क्यों गया। यहाँ खान साहब में ओपन गुंडागर्दी चल रही है, यहाँ हमारे एजेंट्स को थ्रेटन किया जा रहा है कि लाश आपकी भेज देंगे जो अगर पोलिंग स्टेशन पे आए। क्या गुंडागर्दी का राज है यहाँ? कल आपने देखा होगा पीडीपी की चीफ क्या कह रही हैं, किसके यहाँ पे कह रही हैं, उनको लगता है हमारे पास जबान नहीं है? नाम ले लूँ कहाँ कहाँ पर किस किस अफसर से बात कर रही हैं, रिकॉर्डिंग सुनाऊँ? तो सर क्या आपकी तरफ से ईसीआई की चिट्ठी जाएगी अपनी पार्टी? जनाब ऑलरेडी चली गई है चिट्ठी, ऑलरेडी चली गई है। मैं गवर्नर इंतजाम क्यों, चिट्ठियों का कौन सा यहाँ जवाब निकलता? मैंने सोचा आप लोगों की वसातत से लोगों तक, हमारे तो सपोर्टर लोग हैं, हम लोगों को कहते हैं कि जनाब होशियार रहिए, ये लोग वही पुराने घिसे पिटे पार्टियों को वापस लाना चाहते हैं, क्यों वो तो यहाँ बैठे हुए एजेंट। सर आपने अरेस्ट की बात की, क्या किसी ऑफिशियल के साथ आपकी बात हुई, क्या कोई जस्टिफाइड स्टेटमेंट आपको वापस मिला कि किन बेसिस पे उनको? नहीं साहब कुछ नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। क्या लॉ एंड ऑर्डर में कहीं कोई प्रॉब्लम है? किस जगह लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम है? यहाँ तो लोग अमन पसंद लोग हैं, हर जगह ऐसा ही करवा रही हैं, दोनों लोग लगे हुए हैं इसमें लगे हुए हैं। क्यों जो जिनको परमिशंस देने हैं या नहीं देने वो तो इन्हीं लोगों को देने हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में, इन लोगों से क्यों? यहाँ तो 70 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी यही दो जमातें रही हैं, तो अगर कोई सरकारी नौकरी में कुर्सी पे बैठा हुआ वो तो यही लोग हैं।